वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान कृपा की भाई बचित्र सिंह होना दे उद्यम नाल अज असी गुरद्वारा करीर साहब के दर्शन करन वास्ते संगरूर आए हाँ। ये ओ करीर साहब है जिथे कदे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने आके अपना घोड़ा बन्निया। ये पवित्र स्थान है ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु नानक साहब दे पावन बचना ते किन्ना क पहरा दिंदे सन। पौन गुरु नू चाहे ओ चनार दे रुख सी हथी लाए। पलाह साहब महाराज जी ने सारा कुछ हथी बनाया। इसे तरह इत्थे करीर दा दरख्त जेड़ा है कदे किसे अणजाण ने इस नू वड्या मुड़ हरा होया फिर वड्या फिर हरा होया कमरा बना दिता छत पाड़ के उपर निकल आया और नाल उन्नू ए समझ भी दित्ती महाराज जी वल्लों भी भाई ये जिन्नू तू वार वार वढ़ रहा इन्हें जुगां जुगंतरां तक इत्थे रहना है। ते अज भी इस करीर साहब दे तुसी दर्शन करो। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दी जिथे याद लई बैठा है उत्थे उस पौन गुरु दा आनंद जिहड़ा है आ पंछियां ने अजे भी इहदे विच आलणे पाए हुए आ जिथे वह अपने परिवारां नू पाल रहे आ क्योंकि उन्हां दी सुरक्षा ही इह ने करीर साहब वर्गे दरख्त जिन्हां ना गुरु हरगोबिंद साहब कदे आ के घोड़े बन्नदे ने बैठदे ने। ते अज असीं गुरु के बागां नू उजाड़ के जिहड़े दरख्त गुरु घरां च ला रहे हां उन्हां ते ना पंछी बैठ सकदे आ ना फल ना फुल ना मंजा ना पीड़ा ना साह ना छां वो केवल एक विखावे मात्र बनौटी जे रुख लाए हुए आ जिन्हां दा फायदा कोई नहीं। इसलिए आओ गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दियां खुशियां लैण लई जिवें सतगुरु जी ने पाउण नूं प्यार कीता है इस तरह दे होर भी साडे गुरद्वारियां च दरख्त होणगे जिन्हां नूं बचाउण दी बहुत लोड़ है जिहड़े किते ना किते कार सेवा दी मार हेठ आ के वड्डे गए जां वड्डे जा रहे ने उन्हां नूं सुरक्षित रखण दी जरूरत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।